प्रदेश में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद खाली, कैसे हो पढ़ाई स्कूल शिक्षा। 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा विभाग, 40,000 पहले से कार्यरत। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, वह भी शैक्षणिक सत्र के 1.5 माह अप्रैल और जून के 15 दिन निकलने के बाद। ऐसे में सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई की उम्मीद करना बेमानी है। दरअसल अभी 40,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। स्कूल शिक्षा विभाग 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तो कर रहा है, पर उससे भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 40,000 से अधिक पद फिर भी खाली रह जाएंगे। इतना ही नहीं, यह अतिथि शिक्षक भी कब स्कूलों में पहुंचेंगे और पढ़ाई शुरू कराएंगे, कहना मुश्किल है। जबकि कोरोना के चलते 2 साल बाद स्कूल पहुँच रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ाई की जरूरत है। ज्ञात हो कि खाली पद पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में हर साल औसत 5,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पिछले 6 साल का आंकड़ा देखें तो 30,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वही पदोन्नति के पद भी नहीं भरे जा रहे हैं और नई भर्ती भी नहीं हो रही है। दिक्कत इस बात की भी है कि इनमें से ज्यादातर गणित, अंग्रेजी व विज्ञान विषय के शिक्षकों के पद हैं और विद्यार्थी इन्हीं विषयों में कमजोर भी हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन लिए, 2 साल स्कूल नहीं खुले। ऐसे में विभाग ने न तो खाली पदों का आकलन किया और न ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। अब जब शैक्षणिक सत्र के 1.5 माह निकल गए हैं, तो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। विभाग ने 20,000 पदों के लिए 30 जून 2022 तक आवेदन लिए हैं। इसके बाद नियुक्ति की लंबी प्रक्रिया है, जिसमें 1 माह लग सकता है। पदोन्नति के पद भी खाली। माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के करीब 45,000 पद खाली हैं। ऐसे ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के 50% पद पदोन्नति के होते हैं, जो खाली हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही हो जाएगी। नियुक्ति के लिए प्रशासकीय अनुमोदन मिल गया है, तकनीकी समस्या के कारण आवेदन मंगाने में देरी हुई है। के द्विवेदी, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय।